दिल्ली के दिल में एक आधुनिक स्मार्ट शहर का प्रतिबिंब, जिसका आकार है अद्भुत और सुविधाएं वर्ल्ड क्लास, जो है तेजी से विकसित हो रहे नए भारत का नया प्रतीक। दिल्ली की पहचान, हमारा प्रगति मैदान अब अपने नए रूप में सभी के स्वागत को तैयार है। 3 नवंबर 1972 अंतरराष्ट्रीय मेले एशिया 72 से शुरू हुआ प्रगति मैदान का सफर, तब से लेकर आज तक ये स्थल बना कई ऐतिहासिक प्रदर्शनियों का हम सफर। जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ने लगा, तो प्रगति मैदान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी 21वीं सदी के भारत के अनुरूप आधुनिक बनाने की जरूरत महसूस हुई, ताकि नए भारत में बढ़े ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ ही ईज ऑफ लिविंग। देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हो, एग्जीबिशन हॉल हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर काम कर रही है और प्रगति मैदान में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये अपने आप में एक उदाहरण बनने वाले। 123 एकड़ में बने इस एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स की गिनती शंघाई और फ्रैंकफर्ट के जैसे विश्व के 10 एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर्स में होगी, जहां 54,000 वर्ग मीटर का एयर कंडीशन्ड कन्वेंशन सेंटर और 3 ओपन एम्फीथिएटर बनाए गए हैं। करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर यानी 26 फुटबॉल फील्ड्स जितने कवर्ड एरिया में फैले प्रगति मैदान 2.0 में कुल 7 नए एग्जीबिशन हॉल्स हैं। इसके लेवल 3 पर बने हॉल में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी अधिक 7,000 विजिटर्स बैठ सकते हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी का गौरवपूर्ण अवसर भी इस कन्वेंशन सेंटर के समिट रूम को मिलेगा। यहाँ 116 देशों की इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रतीक सूर्य द्वार है। जीरो से इसरो तक भारतीय विज्ञान की कथा सुनाते प्रगति चक्र है। विश्व संरचना का आधार दर्शाते पंच महाभूत है। भारत द्वारा विश्व को समर्पित योग भी है। देश के विभिन्न प्रांतों से ली गई चुनिंदा सामग्री और कलाओं के सम्मिश्रण से बना IECC का ये भव्य रूप अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम उदाहरण है। एक तरफ जहां इस सेंटर में बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे, वहीं हमारे देश के छोटे उद्यमी, अन्नदाता और कारीगरों द्वारा वोकल फॉर लोकल का ये मंच भी होगा। भविष्य में यहां होने वाले आयोजन भारत को विश्व की 5वीं से 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। सभी आधुनिक सुविधाओं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सपोर्ट से परिपूर्ण IECC लग्जरी, फ्लेक्सिबिलिटी, लॉजिस्टिकल वायबिलिटी और सेफ्टी का एक अनोखा संगम है, जहां व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और संभावनाओं के अनेक द्वार खुलने से रोजगार सृजन भी होगा। अतिथि देवो भवः की भावना लिए हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करता ये कन्वेंशन सेंटर G20 के देशों के स्वागत के लिए और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का मंच बनने के लिए तैयार है, जिसे आज माननीय प्रधानमंत्री देश को समर्पित कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम इस जगह पे खड़े हैं और हम सब ने जगह जगह पर जाकर देखा कि किस तरीके से भारत देश में दिल्ली में G20 की तैयारियां चल रही थी। पूरी दिल्ली को अच्छी तरीके से सजाया गया है, जगह जगह पे वर्टिकल गार्डन्स, वर्टिकल बास्केट्स, कोकोडेमा, इस तरीके से पूरी दिल्ली को सजाया गया है। अभी हमने छत पे बागवानी में बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं, जिसमें हमने ये भी देखा है कि वर्टिकल गार्डन कैसे बनाते हैं, कोकोडिमस कैसे बनाते हैं, बट इस सम्मेलन में हमने ये प्रेपरेशंस में देखा है कि उनका कैसे उपयुक्त प्रयोग किया जा सकता है।
जहाँ पे जगहें नहीं भी हैं, ह्यूज फ्लावर अरेंजमेंट्स या लैंडस्केपिंग वगैरह नहीं भी हो सकती, तो वहाँ पे टोकरियों में, हैंगिंग बास्केट्स में या कोकोडीमास में या वर्टिकली गोइंग, उस तरीके से अरेंजमेंट्स करी गई हैं। वर्टिकल गार्डन बनाने के लिए हमने पहले भी सिखाया हुआ है, अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इन सब चीज़ों में हमारी प्रिपरेशंस बहुत पीछे से चल रही होती हैं। हमेशा कहा जाता है ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो कोई भी तैयारी जब हम शुरू करते हैं तो दिखाते हैं तो उसकी सारी तैयारियां हमारी पहले से चल रही होती हैं। अब जब वर्टिकल गार्डन्स बनाते हैं तो उसमें जो रखी हुई बास्केट है वो हमारी 3-4 महीने पहले से शुरुआत हो जाती है, ताकि जहाँ पे हम लगाएं और वो भरी भरी सी चीज़ें दिखें। अगर हम एकदम बनाते हैं तो सारी जगह खाली खाली दिखेंगी, भरी नहीं दिखेंगी। इस मौसम में जो कि नॉन फ्लावरिंग सीजन होता है, तो हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन अपने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और कलरफुल लीव्स वाले पौधों की करनी है, सिलेक्शन करनी चाहिए। जैसे एक्लिफा हो गया, कोलियस हो गया या शेफलेरा हो गया, तो इस तरीके से पौधे इकट्ठे किए जाएं जो वेरीगेटेड भी हों या 2-3 कलर्स वाले, रेड एंड ग्रीन वाले हों, तो हम उनको सबको मिक्स एंड मैच करके एक अपना अरेंजमेंट्स तैयार कर सकते हैं। जब वर्टिकल गार्डन बनाएं तो भी हम उसको मोजाइक पैटर्न्स में यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम वर्टिकल गार्डन्स बनाते हैं या कोकोडीमा बनाते हैं या अंदर जब आप देखेंगे मंडपम में फ्लावर अरेंजमेंट्स वगैरह हुए होंगे, तो वो सारे भी एक पहले से प्रेपरेशन करी जाती है। इन पौधों को या फ्लावर्स को प्रॉपरली सोक कर लिया जाता है, यानी कि 1-1.5 दिन का सोकिंग दिया जाता है। फिर आप उसको सेम वे उसकी मॉस को भी, हम जो ग्रीन ओएसिस कहते हैं, उस फोम कहते हैं, उसको भी सोक कर लेते हैं। और ये सब सोक करने के बाद में उसमें अरेंजमेंट्स बनाई जाती हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर पूरा दिन भी अगर हम पानी नहीं देते हैं, वो फोम गीली रहती है, फूलों ने पानी पिया होता है, तो वो शाम तक आराम से चल जाते हैं। फिर आप शाम को अगेन उन बास्केट्स वगैरह में पानी भर के रख दीजिए और सुबह तक वो फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जब भी हम अरेंजमेंट्स करनी होती हैं, कहीं पे भी हमने कोई इवेंट प्लान किया है, और उस इवेंट को प्लान करने के साथ में हमें ये देखना पड़ता है कि ये कार्यक्रम कितने समय का है। ये 1 घंटे के समय का है या 1 दिन का है, 3 दिन का है, 4 दिन का है, 5 दिन का है। सो प्लानिंग उसी के हिसाब से कीजिए। जब भी आप कहीं घर में भी प्लानिंग कर रहे हो तो आपको उसी तरीके से सोच के विचार करके तब आपको अपने घर की सजावट शुरू करनी चाहिए। और जब सजावट शुरू करते हैं तो ये चीज़ें, पॉइंट्स भी, थीम क्या है, जैसे अभी हमारे G20 का थीम दिया कि भाई वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि 1 फैमिली 1 फ्यूचर, हाँ जी, सारी धरती हमारा घर है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब तो यही हुआ ना। और हम इसी प्रथा को प्रिवेल करते हुए, और G20 की एक सबसे बड़ा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, तो हम गार्डनर्स की और गार्डनिंग एंथुजियास्ट, गार्डनिंग हॉबीज की ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने प्रधानमंत्री का या हम अपने डिपार्टमेंट्स का सहयोग प्रदान करें, जहाँ तक भी हो सके, जहाँ जहाँ भी हम पौधे लगा सकते हैं, चाहे वो घरों में, अपनी सोसाइटीज़ में है, चाहे रोड साइड में है, अगर पौधे लगे हुए हैं तो हम कोशिश करें कि हम उनमें नियमित रूप से पानी दें। आपके सामने पार्क में भी हैं तो भी आप ये कोशिश कीजिए कि आप पार्क वगैरह में जाएं, वहाँ पे देखें कि पौधे में पानी दे रहा है कि नहीं दे रहा। आपको माली को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 बोतल साथ में सैर करते हुए ले जा सकते हैं, और आप इस तरीके के प्रयत्न करते हैं। सो हमें एक चीज़ का प्रण लेना चाहिए कि जिस तरीके से G20 के लिए हमारी पूरी दिल्ली को सुंदर बनाया गया है या पूरे NCR रीजन को सुंदर बनाया गया है, इसको मेंटेन करने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहें और इसको लगातार मेंटेन करें, अपने पेड़ पौधों को सूखने ना दें।
में मैं आपको G20 के रिगार्डिंग जो भी आपको परेशानी हो रही है, ट्रैफिक को लेके ले लो या चेकिंग्स को लेके ले लो, कहीं आपके आने जाने पे रोक टोक हो रही है उस चीज़ को लेके ले लो, इंडिया गेट को आप विजिट नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बंद है, तो मेरा ये दिल्ली पुलिस की तरफ से और मान सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से भी एक मैसेज है आपके लिए कि प्लीज़ थोड़ा धैर्य आप सब रखें, हम सब धैर्य रख रहे हैं क्योंकि पता है आप सभी को कि G20 सिर्फ हमारे लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक लाइक फेस्टिवल की तरह है, सभी के लिए बहुत बड़ी बात है ये। हम सब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बहुत सारी कोशिश की जा रही है, अपने पूरे देश की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, तो थोड़ा थोड़ा आप भी कॉन्ट्रीब्यूट करें उसमें ताकि ये जो टाइम है हमारा बहुत सही से निकले, ताकि हमारी कंट्री प्राउड जो इस चीज़ को फेस कर रही है, इस प्राउड मोमेंट को फील कर पा रही है, तो आप सभी इस प्राउड मोमेंट को फील कर पाए। रही बात ट्रैफिक की, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, अगर कोई रेड लाइट पे रोक रहा है, आपकी चेकिंग हो रही है, तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करें। आपको भी पता है कि सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़ी थ्रेट हो सकती है और ये हो सकता है, अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप दिल्ली की डेकोरेशन देखिए, फ्लावर्स देखिए, कितना अच्छा सुंदर सजा है, आप इसकी डेकोरेशन से पता कर सकते हैं कि हमारे लिए कितना बड़ा मोमेंट है। को किसानों के नाम कर दिया है, यानी मिलेट्स श्री अन्न के नाम। मोटे अनाज उगाइए और तंदुरुस्त रहिए। मोटा अनाज में रोग व्याधि कम लगता है। बात हॉर्टिकल्चर यानी कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर करना है। एक नारा दिया कि पहले ग्रुप फार्मिंग हो। किसानों की तस्वीर जो है हम आपको दिखाने के लिए बिहार लेकर आए हैं। जितना भी फैसिलिटी है मोदी के नाम से सब कुछ मिल गया। हम लोग घर घर भी पहुंचते हैं और एक किसान पाठशाला भी करते हैं। बिहार की धरती से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यही है भारत में हो रहे G20 की पहचान। G20 की इतनी भव्य और खूबसूरत तैयारियां देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मुख्य कार्यक्रम स्थल भारत मंडपम से लेकर एयरपोर्ट के रास्ते तक आपको खूबसूरत पौधे, कलाकृतियां और सुंदर पानी के फव्वारे देखने को मिलेंगे। मंडी हाउस कनॉट सर्कल, अशोका रोड, 11 मूर्ति स्थल पर भी हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से आपका मन हटने का नाम नहीं लेगा। इन सभी स्थानों पर मेहमानों के स्वागत के लिए रास्ते के दोनों ओर खूबसूरत फूल पौधों के साथ साथ आपको रोड साइड लैंडस्केप भी मिलेंगे। इससे हरियाली के साथ साथ सुंदरता भी खूब दिखाई दे रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विदेशी मेहमानों का जमावड़ा दिल्ली में बना हुआ है। यही कारण है कि मार्गों की सजावट के लिए ऐसे विशेष फूलों सजावटी पौधों को उपयोग में लाया गया है जो लंबे समय तक तरोताजा बने रहे। विशेष रूप से पेरीविंकल कैटेगरी के सजावटी फूलों जिन्हें हिंदी में सदाबहार या सदा सुहागन कहा जाता है। हम यहाँ पे G20 के प्रोग्राम, G20 का जो उत्सव चल रहा है यहाँ पे दिल्ली में, और उसकी लैंडस्केपिंग रोड साइड में लैंडस्केपिंग है और ये गार्डनिंग कैसे बनाया है उन्होंने, जो आने वाला दुनिया के जो बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं और कंट्री की जो क्या बोलते हैं कंट्री का मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं उनको स्वागत करने के लिए ये बढ़िया सा लैंडस्केपिंग किए हैं। और हम इस लैंडस्केपिंग की फ़ायदा हम इंडियंस भी उठा सकते हैं और हम कैपिटल में एयरपोर्ट के पास में खड़े हैं यहाँ पे, और इस एयरपोर्ट के आसपास के कितने भी एरिया है और इसमें बहुत अच्छे स्टैचूस और वाटरफॉल्स और प्लांट्स वगैरह में इन्होंने अच्छे से लैंडस्केपिंग कर रखे हैं। और भी ये मेरा साइड रोड साइड में उस पार भी है और एयरपोर्ट की बैक साइड में भी है और एयरपोर्ट की एंट्रेंस में भी है, वाटरफॉल्स वगैरह फाउंटेन्स वगैरह नए नए तरीके से बनाए हैं। और इसके अभी आने वाला G20 उत्सव में हम सब देख के एंजॉय कर सकते हैं। अगर अर्बन गार्डन के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे अगर लैंडस्केपिंग के बारे में बात करते हैं,
और हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करते हैं, रोड साइड में लैंडस्केपिंग कैसे होती है। G20 में उत्सव में इन्होंने बनाया है, बहुत सारा लैंडस्केपिंग बनाया है। और एयरपोर्ट के पास में आप देखेंगे, आप टेरेस गार्डन में आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे पास प्लांट्स लगी हुई है जैसे कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, और सस्ते से सस्ते पौधा और इंडिया में मिलती है, लोकल मेड प्लांट्स है, कोई प्लांट्स इंपोर्ट नहीं किया गया, और ये सारे प्लांट यहाँ इंडिया की है, लोकल में है, सारे प्लांट्स यहाँ पे आई हुई है। और कलर कॉम्बिनेशन से क्रॉस मेथड्स में ये लोग लॉन्ग आइलैंड हो गया, अस्पारागस हो गया, पांडा हो गया, ये अल्टरनेंद्रा हो गया, जैस्मिन की वेराइटीज़ और सदाबहार के वेराइटीज़, ये सारा बहुत सारा प्लांट्स को इन्होंने लगा रखे है। बहुत सुंदरता भी है, कलर भी है इसमें, फ्लावरिंग्स भी आ रही है। और इसकी बहुत महंगा पौधा भी नहीं है, आप अपनी छत में भी ये बागवानी करना चाहते हैं, इन फ्यूचर में भी करना चाहते हैं, इसमें यहाँ आइडिया ले सकते हैं। आप दिल्ली में किसी कोने पे भी जा सकते हैं, अभी G20 के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, इसके बाद में भी देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं। और कितने भी गार्डनिंग की यहाँ पर प्लांट्स है, इसके देख के अपना बागवानी में आप छत पे भी टेरेस गार्डन वगैरह बहुत अच्छा बना सकते हैं। और आप यहाँ देखेंगे ये वाटरफॉल्स भी है, और ये प्लांट्स में भी कितने तरीके से बना रखे हैं, इस पानी के भी और वाटरफॉल की जो डिजलिंग्स होती है इसके भी बहुत अच्छी ऑब्जर्व कर लेती है। और यहाँ ग्रासेस के साथ साथ है, बहुत अच्छे मेंटेन कर रखे हैं ये लोग। और इन बागवानी के आप देखेंगे आगे भी, और लॉन के साइड के साथ, रोड के साइड साथ कैसे कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं, आप इस उत्सव में आकर एंजॉय भी कर सकते हैं। और इस तरफ रोड की दोनों तरफ आप देखेंगे, और प्रगति मैदान से लेकर दिल्ली तक हर जगह पे इन्होंने बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग कर रखे हैं। और हमारा एयरपोर्ट की तरफ जाकेंगे, वहाँ पर भी बहुत अच्छी प्लांट्स वगैरह है, सारे प्लांट्स लोकल है और कोई प्लांट इम्पोर्टेड नहीं है, और ये लोकल प्रोडक्शन से सब कुछ यहीं से तैयार किया हुआ प्लांट है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे दिल्ली में G20 में जो गार्डन का जो मटेरियल्स यूज़ किए हुए हैं, यहाँ लोकल मटेरियल्स है और सस्ता वाला मटेरियल्स है, और जो वेस्ट मटेरियल से भी बहुत सारा सामान यहाँ पे तैयार किया है। आप अपने छत में भी अगर गार्डनिंग करना चाहते हैं, आपकी घर में जो प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह हो गया, वेस्ट मटेरियल्स हो, बॉटल्स हो गया और टायर्स हो गया, इस तरीके से सामान यूज़ करके आप टेरेस को डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर प्लांटेशन करने के लिए आपको जो महंगा बजट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जीरो से लेके आप अपना मर्जी से कर सकते हैं। और टेरेस गार्डन से लेके यहाँ पे वाटर फीचर्स और प्लांटेशन भी के साथ साथ आप वेजिटेबल गार्डन्स भी बना सकते हैं। आप बागवानी के में वेजिटेबल गार्डन्स भी आप टेरेस में कर सकते हैं। आजकल बहुत सारा इंडियन मेड्स का ये कोकोपीट्स वगैरह आ गया यहाँ पे, और मेन्यूर्स वगैरह सब कुछ है, सस्ते सस्ते, महंगे से महंगे, आप कितने बजट जीरो लेवल से लेके अपना मर्जी से बहुत अच्छी सुंदर से टेरेस गार्डन बना सकते हैं। और इसके लिए आपकी महंगी बजट की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने घर के वेस्ट मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इस प्लांटेशन को आप अपनी तरीके से अपना एंजॉयमेंट के लिए, आपके बच्चों के फ्यूचर्स के लिए, आप गार्डनिंग का इन्वॉल्वमेंट का आपको पता चल जाएगा। कोरोना में हम लोग कितनी मेहनत की है आपको सबको पता होगा, वेजिटेबल्स भी खुद आप बना सकते हैं, और गार्डनिंग भी आपका, वाटर फ्यूचर्स भी और प्लांटेशन भी अपने हाथ से बना के एंजॉय कर सकते हैं। क्या खरीदे हम वाटर प्लांट? तो वाटर प्लांट बेसिकली तीन तरीके के में आते हैं। एक होते हैं जो फ्री फ्लोटर्स होते हैं, जो पानी की परत पे तैरते हैं, जैसे आपकी वाटर कैबेज हो गई या अजोला हो गया, ये सिर्फ पानी के ऊपर ऊपर तैरते हैं। फिर वो होते हैं जिनको थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होती है, जैसे कमल हो गया, वाटर लिली हो गया, तो वो हम मिट्टी के अंदर, और जो मिट्टी में उगते हैं हम हमेशा पॉट इन पॉट या गमले के अंदर गमला बना के ही प्रयोग करते हैं। उसकी वजह ये है कि आप एक बड़ी पहले कंटेनर लेते हैं, फिर पौधा जो होता है हम एक छोटे कंटेनर में लगाते हैं। वजह ये, एक तो सफाई, आसानी से इसको निकाल के आपका पानी बदला जा सकता है, इसकी सफाई हो सकती है। दूसरा, आप दो तीन तरीके के इसमें वैरायटी लगा सकते हैं जो एक दूसरे से उलझे ना। तो जब हम ये लगाते हैं, जब हम ये पॉट इन पॉट लगाते हैं, तो इसके लिए हमें चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। तो अब चिकनी मिट्टी मिलनी तो मुश्किल है, बहुत आसानी से घर में बन जाती है। कोई भी छोटा गमला लीजिए, पहले बीच में आप एक मुट्ठी भर बोन मील डाल लीजिए, और फिर उसके ऊपर आप ऑर्डिनरी गार्डन सॉइल, जिसमें शायद थोड़ी सी गोबर खाद मिली हो, जो पॉटिंग मिक्स होती है, वो डाल लीजिए ऐसे छोटे गमले के अंदर। और इसको आप एक बड़े कंटेनर में, जिसमें पानी भरा हो, उसके अंदर आप डाल दीजिए। इस गमले को जिसमें ये मिट्टी पड़ी है, आप इसको कम से कम 2 हफ्ते रखिए,
वो चिकनी गुत गुत के चिकनी मिट्टी हो जाएगी। तो आपका गमला तैयार है वाटर प्लांट के लिए। और अब आते हैं कि आपने उगाया, बनाया, सजाया, तो थोड़ा शौक रहता है कि हम इसको बढ़ाएं। और जो पानी के पौधे हैं वो बहुत आसानी से आप आगे उनका प्रोपगेट कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मोस्टली जैसे आपकी अगर वाटर कैबेज हो गई या वाटर हाइसिंथ हो गया, तो इसका तो बहुत ही आसान है। ये आप देख रहे हैं, ये मदर प्लांट है, ये एक टहनी छोड़ता है और एक बेबी प्लांट आपका ऐसे साइड में आ जाता है। और फिर इसकी अपनी जब जड़ बननी शुरू हो जाती है, नीचे देखिए, तो अब ये इससे इंडिपेंडेंट होने के लिए तैयार है। तो अगर आप इसको ऐसे बस तोड़ के अलग करेंगे तो आपके पास दो पौधे हो गए। तो बस आप ऐसे जब देखें कि आपके बढ़ रहे हैं पौधे तो इनको अलग करिए, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा, एक तो नहीं तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी आपने जहाँ भी लगाया है। या तो इसको अलग कंटेनर में डाल सकते हैं या इसको शेयर कर सकते हैं। वाटर कैबेज भी ऐसे ही हम प्रोपोगेट करते हैं। ये एक और पौधा है, इसमें जैसे अदरक जैसी बनावट है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत। ये हिस्सा जो है अपनी जड़ छोड़ गया है, तो इसको हम ऐसे अलग कर सकते हैं। तो ये मोस्टली आप मॉनसून्स में, बारिशों के मौसम में खूब ग्रोथ होती है, और हमारी प्रोपोगेशन भी मोस्टली बारिशों के मौसम में होती है। अगर हम ऐसे पौधों पर आए, ये रश प्लांट है, तो इसका तरीका ये है, ये डिवीज़न जैसे हम नॉर्मल पौधे करते हैं डिवीज़न, तो अगर आप देखेंगे कि इसके अपने छोटे छोटे गुच्छे बने हुए हैं, तो आपने इनको एक एक गुच्छे को ऐसे अलग करके, लेकिन बारिशों में इसको आपने अलग से खींचेंगे, तो इसी पौधे के आपके तीन पौधे, यहाँ देखिए नए आ रहे हैं, इसके तीन पौधे बन जाएंगे।